सब्सक्राइब करें VMOne चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं TechTalk वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल VMOne। मेरा नाम है विनीत और ये है मेरा TechTalk एपिसोड 2। आज हम बात करेंगे अच्छा टीवी कैसे लें। तो कैसे चुनें एक अच्छा टीवी, एक अच्छा टेलीविज़न जिसकी अच्छी स्क्रीन हो या राइट स्क्रीन हो, या उसमें आपको क्या देखना चाहिए अपने टीवी को चूज़ करने से पहले। क्या 7,000, 8,000 या 10,000 के टीवी जो मिलते हैं फ्लिपकार्ट की और अमेज़ॉन की सेल्स में, क्या वो अच्छे होते हैं या नहीं। मैं आपको एक टीवी गाइड दूंगा जिसको ब्रेक करूंगा 5 पॉइंट्स में, और उससे आपको आसानी होगी अपने आप अपने लिए एक अच्छा टीवी ढूंढने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ चुनने के अंदर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। छोटे कमरे के अंदर बड़ा स्क्रीन का टीवी लगाने से हमारी या तो आंखें ख़राब होती हैं या हम देख ही नहीं पाते, और वो अल्टीमेटली वेस्ट हो जाता है हमारे लिए। तो हम सही स्क्रीन साइज़ कैसे चुने, उसका एक सिंपल फार्मूला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं 42 इंचेस का टीवी लेने के लिए, तो 42 × 2 यानी 84 का मतलब हो गया 7 फुट। अगर आपका टीवी वॉल से अपने जहाँ पे आपने बैठ के देखना है, बेडरूम में है तो बेड पे जहाँ पे बैठ के देखना है वहाँ से डिस्टेंस 7 फुट है, तो आपके कमरे का साइज जो है अप्रोप्रिएट है 42 इंच के टीवी के लिए। और अगर उसमें कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन साइज़ 24 से लेके गॉड नोज 65, 70 और 90, आजकल तो पता नहीं कितने 3-3.5 करोड़ के टीवी भी आ रहे हैं जो 200 इंच के भी टीवी हैं, तो आप उस हिसाब से अपने लिए देख सकते हैं। सेकंड जो आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है, हम आज की डेट में भी LCD टीवी ले रहे हैं LED की जगह, कुछ लोग तो प्लाज्मा भी ले रहे हैं सस्ते के चक्कर में। प्लाज्मा तो खैर अब बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है, लेकिन फिर भी LCD तो बहुत ही कॉमन है। जो जितने सस्ते टीवी हैं सारे LCD हैं। तो आप कम से कम फुल HD टीवी लें। अगर आपका स्क्रीन साइज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो 32 या उससे ऊपर है तो फुल HD ढूंढें, उसके अंदर HD ना लें। और HD के अंदर वही बात सारी आ जाएगी कि आप HD ले रहे हैं टीवी, और अगर आप उसके अंदर HD सेट टॉप बॉक्स लगा रहे हैं या फिर टाटा स्काई या एयरटेल लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर वो कंटेंट जो है वो प्ले ही नहीं होगा। तो वो चीज़ सोच समझ के लें कि अगर आप ले रहे हैं और आपका बजट थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2-4 हज़ार रुपये अगर ऊपर है तो फुल HD टीवी लें, HD पे ना जाएं। फिर आप थर्ड पॉइंट आता है स्मार्ट टीवी या नहीं। आज की रेट में दोस्तों स्मार्ट टीवी ना लेना एक बहुत अच्छी समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। आज की रेट में सारे ही स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। मैं कहूँगा, अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो लगभग 70-80% टीवी जो हैं वो अब स्मार्ट हो चुके हैं। तो स्मार्ट टीवी लेना ही आज की डेट में समझदारी है, जिसके अंदर ऑलरेडी आप चाहे कंटेंट देखें या ना देखें, लेकिन अमेज़ॉन होता है, अमेज़ॉन प्राइम तो कम आता है, लेकिन नेटफ्लिक्स होता है, हॉटस्टार होता है, यूट्यूब होता है। तो अब जैसे MI के टीवी आते हैं उनमें अब नेटफ्लिक्स की भी सपोर्ट आने लगी है, और उसमें यूट्यूब या फिर क्रोमकास्ट जो है वो बिल्ट इन होता है, उसमें गूगल असिस्टेंट सपोर्ट होती है। तो इस तरीके के जो टीवीज़ हैं, जैसे सैमसंग के टीवीज़ आते हैं उसमें टाइजन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मीरा कास्ट होता है किसी किसी के अंदर, किसी में पैच वॉल होता है। जैसे MI की टीवीज़ के अंदर एंड्रॉयड भी होता है और पैच वॉल भी होता है। तो वो सब चीज़ें देख के सोच समझ के लें, और मेरे हिसाब से मैं सलाह दूंगा कि स्मार्ट टीवी ही लें। चौथा पॉइंट आता है जो हम जनरली मैंने इंडिया में तो देखा है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, वो है साउंड क्वालिटी। हम साउंड क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और हम टीवी का साइज़ देखते हैं, टीवी की ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी देख लेंगे, कोई दुकानदार या फिर वेबसाइट पे लिखा होगा कि फुल HD है जी, ये है जी, फलाना है जी, ढमका है जी, तो वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, लेकिन हम साउंड के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे को साउंड की ही ज़रूरत है पिक्चर क्वालिटी के बाद। तो साउंड क्वालिटी ध्यान से सोच समझ के देख के लें।
मेरे हिसाब से 80-90% जितने स्मार्ट टीवीज़ हैं या एलईडी टीवीज़ हैं या एलसीडी टीवीज़ हैं उनके अंदर साउंड क्वालिटी बेहद ख़राब होती है और बिल्कुल बकवास होती है। तो उसके अंदर चाहे वो लिखें 20 वाट का है जी या 30 वाट का है या कुछ है, लेकिन उन सभी के जो स्पीकर्स होंगे वो पीछे की तरफ होंगे 90% या 80% टीवीज़ के। उसका कारण ये है कि उनको पतला बनाना होता है अपना एलसीडी या एलईडी या अपना टीवी, तो उसके लिए वो स्पीकर जो है वो उस टीवी के पीछे वाली साइड पे डाल देते हैं। तो होता यह है कि आपने लगाया तो उसको दीवार पे, लेकिन स्पीकर गया पीछे और उसकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा आ नहीं पाती है। तो बेटर यह है कि आप इस चीज़ को देख के लें कि अगर कोई अच्छा रिकग्नाइज्ड उसमें साउंड सिस्टम लगा हो, अगर डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट हो या नहीं हो, ये चीज़ को देख के लें। और अगर डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर सराउंड साउंड भी ज़रूर होगा, और सराउंड साउंड है तो फिर उसके स्पीकर या कहीं पर भी लगे हों आपको आवाज़ इक्वल आएगी सारे कमरे में। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सोच समझ के लें। ऐसे टीवी आपको 4-5 हज़ार रुपये महंगे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो पांचवा और हमारा फाइनल पॉइंट है वो है वारंटी सपोर्ट। हम लोग अक्सर एक सस्ते टीवी के लालच में या फिर सस्ता मिल रहा है या डील मिल रहा है उसके लालच में हम एक टीवी ले लेते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड इसी तरह से ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम ये नहीं सोचते कि उनकी बैक एंड वारंटी सपोर्ट कैसी है या उनके सर्विस सेंटर्स हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, ये सब भी सोच समझ के लें। जैसे कुछ साल पहले MI जब नया आया था इंडिया में तो लोग सस्ते के चक्कर में उसको ले रहे थे, लेकिन उसकी वारंटी सपोर्ट बहुत ही ख़राब थी। उसका कारण ये था कि उनके सर्विस सेंटर्स नहीं थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले अपने सर्विस सेंटर्स को इम्प्रूव किया, तो आज कोई भी MI का प्रोडक्ट लेने में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही आराम से सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाएंगे हर जगह। तो इसी तरह से कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके सर्विस सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज की डेट में भी, लेकिन उनके TVs बहुत अच्छे बिक रहे हैं। तो मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सब सोच समझ के लें और उसी तरह से लें वारंटी सपोर्ट देख के और बाकी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के, तो आप एक अच्छा टीवी अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए ले पाएंगे और आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं आएगी और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी जानकारी जो है आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपसे मैं कल फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ और आपको फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें VMOne चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं टेक टॉक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।